अच्छा सर, मैंने सुना है ये जो स्मार्ट बस स्टॉप बना हुआ है, इसके ऊपर भी सोलर पैनल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नई चीज़ मैंने सुनी है शहर की। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका इसका रीज़न क्या है? ये जो स्मार्ट अपन वर्क ये देख रहे हैं, बस स्टॉप देख रहे हैं, देखो इसको ऊपर से पूरा इन्होंने फिनिशिंग करके दिया है। इसका भी वर्क इन्होंने लाइट तक ला के दी है। अभी जहाँ पर अंधेरा होगा यहाँ लाइट, इसकी लाइटिंग शायद चालू हो जाएगा, तो फिर कहीं भी किसी को बैठना है तो वो वहाँ से अपना कोड स्कैन करेगा और वहाँ तक चला जाएगा। तो सब डिजिटल फोकस है पूरा चीज़। अच्छा, मैं कुछ समय पहले देख रहा था सर, इस तरीके के जो सेंसर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं कुछ समय पहले नहीं थे। हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट 1-2 महीने पहले इनको इंस्टॉल किया गया है। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी है, इस लाइन पे अगर आप देखेंगे इस रो में आपको हर जगह ये लास्ट तक सेंसर्स दिखने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस रो में भी इन्होंने काफ़ी सारी जगह यहाँ पर सेंसर्स को इंस्टॉल कर दिया है। तो जो चीज़ें हम लोगों को बताते थे कि गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है शहर को लेकर के, ये सेंसर बेस्ड सिटी बनने वाली है, तो इसके आज हमें लाइव एग्जांपल भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अब हंसी हमें उन लोगों पे आती है जो बोलते थे कि ऐसा शहर बनने वाला नहीं है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट के नाम पे यहाँ पर आते हैं कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये प्रोजेक्ट बनेगा, कल मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। विशेष जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में क्या किस तरीके से इस पूरे सिटी को बसाया जा रहा है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि PPP मॉडल को इस पूरे शहर को बनाया जा रहा है, एक अथॉरिटी इस पूरे शहर का ख्याल रख रही है, देखभाल करती है, उस अथॉरिटी के माध्यम से ही ये पूरा शहर बनाया जाएगा। अभी यस, जो पेड़ दिख रहे ना ये हमारे सामने छोटे छोटे थे जी। वो एक महाशय हमारे साथ आए, वो कहते हैं सर ये अभी कुछ दिनों बाद सूख जाएगा, यहाँ पानी की कोई फैसिलिटी नहीं, कैसे जाएगा, क्या कैसे बड़ा होगा जी। तो ये 3 पेड़ आप देख लो, मैं आपको ये बस शेल्टर के पीछे है और ये सिटिंग एरिया दिखा हुआ है जी। 1 साल बाद जब हम आके वापस इस जगह का वीडियो आपको दिखाएंगे जी, तो आज ये शेड हल्का सा मिल रहा है, 1 साल बाद ये शेड हमें और अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया, पूरा ये वुड का स्ट्रक्चर लगाया है, है ना, ताकि आपको गर्मी फील ना हो, बैठने के लिए सिटिंग अलग भी है। अच्छा, मैंने सुना है ये जो वुड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये जो पुरानी नाव होती हैं, जो नाव में जो वुडन जो लगता है, उसी वुडन उसी तकनीक से इस पूरे सिस्टम को बनाया जा रहा है। पानी में खराब होता है ना, ये गर्मी में खराब होता है ना, इसमें कीड़ा पड़ता है। अच्छा, ये वुड इन लोगों ने यूज किया क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चीजों को ही यहाँ पर यूज किया गया। अब जैसे कोटा स्टोन लगा हुआ है जी, ये कई सालों तक खराब नहीं होगा। बिल्कुल, ना बिल्कुल। ये छटकेगा ना ये टूटेगा। अच्छा, आप कहीं भी देख लो पूरे पांचवे पे जी, पानी अगर गिरेगा ना, गिरते से डक में चला जाएगा, मतलब पानी कहीं रुक ही नहीं सकता। यस, मतलब इस तरीके से इन्होंने इसकी भी लेवलिंग की है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि पानी भी डक्स में ही जाएगा। बिल्कुल, और कौन से डक्स में जाएगा वो भी निर्धारित निर्धारित है। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी चीजें। अब ये छोटा सा देखो मोनो, उन्होंने यहाँ पर साइकिल ट्रैक के लिए डाला है। हाँ, ये किसी मार्शल को समझ में ना आए, वो साइकिल यहाँ ऊपर पांचवे पे फुटवेयर में चला लेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये है कि वो है। तो उन लोगों के लिए अच्छा ट्रैक अलग से कलर वाला डाला है, क्योंकि ये दिखाया जाता है जो राइड होता है वो साइकिलिंग ट्रैक के लिए अलग ही ट्रैक बनता है। जी जी जी। अभी ये प्लांटेशन देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये सब जरा जरा से छोटे छोटे थे, आंखों के सामने बच्चा बड़ा हुआ है हमारे, तो इनको देखते देखते समय बीतता गया। और ये देखिए सर, ये लोगो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये भाई साहब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो भारतीय सभ्यता को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए जी, कि हमारे हिंदुस्तान में भी कई सालों पहले कोई सभ्यता हुआ होती थी जिसके ऊपर ही स्मार्ट तरीके से लोग काम करते थे, तो ये लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने मूवियाँ देखी होगी, ऋतिक रोशन की एक मूवी है जिसमें भारतीय सभ्यता को उन्होंने प्रमोट किया है, उसने उस गाने में सर के ऊपर एक सींग लगा के डांस भी किया है जी, जी, है ना। तो क्योंकि मूवी का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को फटाक से आज की डेट में जनरेशन मूवी से बड़ा अट्रैक्टिव होती है, उसको पता होता है, तो उन लोगों ने फटाक से कैप्चर कर लिया। देखो ये भी वो दिया हुआ है। यस 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 यस। अच्छा, ये देखो नाम भी उन्होंने उस सभ्यता के रूप में लिखा गया है। जी जी जी, है ना। तो पूरा ये दिया हुआ है यहाँ पर, आपके स्क्रीनिंग कोड लग जाएगा कि कौन से आप फिल्टर में जा सकते हैं। अच्छा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब 3D व्यू में है। यस yes. आप अगर 3D व्यू इसका देख लेंगे तो इससे एक इंच इसका उधर नहीं है इधर नहीं है। क्या बात है। और इस तरीके के वायर भी ये कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, अंडरग्राउंड लाके ये अंडरग्राउंड यहाँ पर ला करके लाइटिंग के लिए। बिल्कुल, ICT जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ जो जितने भी यूटिलिटीज होंगी, अगर उनको किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं, मतलब अब जैसे आमतौर पे होता है हम किसी भी शहर में रहते हैं, वो स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर आमतौर पे हम देखते हैं हर जगह कहीं गड्ढा खुदा हुआ है, कहीं पर JCB लगी हुई है, इस तरीके की चीज़ें हमें वहाँ पर दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर होने वाली नहीं है।
अब जैसे क्या होता है ना, मान के चलो आप बोल रहे हैं खुदा खुदा होता है, जैसे मान के चलो किसी शहर में काम हुआ तो 5G की लाइन आने वाली है, पहले 3G था तो उसके लिए कुछ अलग था, 4G आया उसके लिए कुछ अलग आया, 5G आया उसके लिए कुछ अलग आया, हर पॉइंट के लिए उन्होंने केबलिंग अलॉट किए कि भैया इस कंपनी वाली लाइन यूज़ करते, तो वो वहाँ पर उसको यूज़ कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें इस शहर की बहुत खास हैं जो हमें देखने को मिलती हैं।